तो आज से बहुत समय पहले मैंने एक पूजा के ऊपर वीडियो पोस्ट किया था और वो वीडियो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। तो आज फिर से मेरी इच्छा हुई कि पूजा के बारे में कुछ बात करूं। और इतने समय में जो भी कुछ और अनुभव लिए, जो भी कुछ और सीखा मैंने, तो वही आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। एक चीज़ जो मैंने समझी है कि जब जैसे हम पढ़ते हैं पुरानी मटेरियल मेडिकल्स में भी, और आप सबने खुद से भी कोशिश किया होगा थूजा को समझने का, इट्स नॉट एन ईजी जॉब, कठिन है थोड़ा समझना। और कठिन इसलिए है क्योंकि अगर आप उसकी पूरी जब स्टडी करेंगे, बहुत सारे रूब्रिक्स देखेंगे, अलग अलग मटेरियल मेडिकल्स से पढ़ेंगे, तो आप क्या पाएंगे ना कि उसका जो बेसिक जो उद्देश्य होता है पूजा का, जो क्रक्स है ना उसका, जो बिल्कुल कोर है, वो यही है कि उसका जीवन जो है वो इसी चीज में बीत जाता है कि कैसे ये सोसाइटी में मैं अपने आप को फिट कर दूं। मतलब एक ऐसा बन जाऊं कि जैसे एक नॉर्मल सब लोग रहते हैं, मैं मतलब ज्यादा नोटिस ना हूं किसी को मेरे अंदर की बुराइयों के बारे में, जो भी गंदगी है मेरे अंदर वो चीज के बारे में पता ना चले। और इसलिए वो जीवन भर ये सारी ऐसी ऐसी चीजें करता ही रहता है कि जिससे वो समाज में, सबके सोसाइटी में एकदम जो है ना, एक 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 नॉर्मल पर्सन की तरह मिक्सअप हो जाए, बहुत ज्यादा अलग से नोटिस ना हो, लोगों को दिखे नहीं कि ये अलग ही लगता है ऐसा। लेकिन फिर भी ये चीजें उसके स्वभाव में हो जाती है नोटिस। जैसे बहुत सिंपल चीज ना, वो सीक्रेटिव वगैरह तो हम सब जानते हैं, लेकिन आप देखोगे कि पोलाइटनेस, अगर रूब्रिक आप देखोगे ना कंप्लीट रिपर्टरी में, तो पोलाइटनेस तो अच्छी बात है ना, विनम्रता होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर बहुत एक्सेसिव होता है। तो इतना विनम्र क्यों होता है ना? तो कोई कोई पैथोलॉजी है ना, इसलिए वो दी हुई है वहां पर। तो ये विनम्रता दिखेगी, बहुत ही ज्यादा माइल्ड टाइप के लोग होते हैं, बहुत ही कम बोलने वाले, कीलिंग टाइप है ना। और एक बहुत बढ़िया इसमें रूब्रिक होता है कि फियर डिस्कवर्ड ऑफ बींग। अभी इसका ना एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। क्या हुआ था ना कि अभी कुछ समय पहले, मतलब कोविड जब खत्म हो गया था, उसके बाद की बात है कि जब धीरे धीरे लॉकडाउन ओवर होना शुरू हो गया, तो मॉल्स, थिएटर्स, ये सारी चीजें भी खुलने लगी थी। तो उस टाइम पे हम लोग कुछ फ्रेंड्स वगैरह ऐसे मूवी देखने का प्लान किया था हमने, तो हम मूवी देखने गए थे। तो क्या हुआ कि अब वहाँ पे एक हमारे ग्रुप में एक है, तो काफ़ी कम बोलने वाला है और मतलब काफ़ी शांत टाइप का व्यक्ति है वो। तो क्या हुआ कि जैसे हम वेट कर रहे थे ना, तो मतलब ऐसे सिक्योरिटी चेक से पहले जो थोड़ा ऐसे वेट कर रहे होते हैं, तो वो क्या कर रहा था कि बोलता है कि मैं ना जरा एक सेकंड आता हूँ। तो वो बाथरूम में गया, तो फिर आया वो, फिर थोड़ी देर बाद गया, फिर आया। तो मैंने ऐसे पूछ लिया, मैंने बोला कुछ दिक्कत हो रही है क्या? तो बोलते नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं। उसने क्या कर रखा था ना कि एक हैंकी जो है वो थोड़ा गीला कर रखा था उसने, और वो उससे क्या कर रहा था, बीच बीच में अपना चेहरा ऐसे पोंछ ले रहा था। मैंने बोला क्या हो गया, गर्मी लग रही है? बोलते नहीं 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 मैंने बोला कोई बात है क्या? बोलते हैं हाँ थोड़ा थोड़ा क्या फीवरिश जैसा लग रहा है। मैंने बोला तो रुमाल से क्या है? तो व्हाट ही वाज डूइंग एक्चुअली ना, कि वो अब फीवर तो नॉर्मल सी बात है, आ सकता है, वायरल है, कुछ भी है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो कोविड ही हो। और उस समय लोगों के मास्क वगैरह सब उतर गए थे, इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो फिर भी इसको क्या डर लग रहा है कि मतलब वहां पर जब टेम्परेचर चेक करें या कुछ करेंगे वो, तो मुझे कहीं पकड़ ना ले, है ना, पता ना चल जाए ऐसा करके कि मतलब मेरे को फीवर है, तो अलाउ नहीं करेंगे, मुझे अलग कर देंगे या जो भी है। तो वो इसीलिए कंटिन्यूअसली क्या कर रहा था, अपने आप को जो है ना टेम्परेचर को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहा था, रुमाल गीला करके वो टेम्परेचर को कम करने की कोशिश कर रहा है कॉन्स्टेंटली। तो ये होता है ना फियर डिस्कवर्ड ऑफ बींग। उसमें और दवाइयां भी हैं बहुत सारी,
इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, अगर आप सिंथेसिस रेपर्टरी में देखोगे तो एक सीक्रेटिव टाइप है और इतना सब हम जानते हैं, तो वो हाइडिंग में होना चाहिए, लेकिन हाइड्स हिमसेल्फ के अंदर थूजा है ही नहीं, तो क्यों नहीं दिया उन्होंने? क्या मिस्टेक है क्या है? नहीं, मिस्टेक नहीं है बेसिकली, एक्चुअली थूजा का उतना कंसर्न हाइडिंग को लेके नहीं होता है, हो सकता है लेकिन हाइडिंग से ज्यादा उसका कंसर्न होता है टू मिक्सअप और फियर डिस्कवर्ड ऑफ बीइंग। डिस्कवर्ड क्या मतलब कि खोज होती है, जैसे डिस्कवरी चैनल आता था पहले, अभी भी आता है मतलब, तो उसमें क्या किस तरह के शोज, जो बिल्कुल जब वो चैनल शुरू हुआ था तो इस तरह के शोज उसमें बहुत आते थे ना, कि जैसे कुछ कोई नया क्या हो रहा है साइंस की दुनिया में, क्या नया चीजें खोजी जा रही है, क्या क्या नया आ रहा है। तो डिस्कवरी का मतलब यही होता है कि वो नेचर में होती है, वो चीज मतलब है एक्चुअल में, वो एग्जिस्ट करती है, बस ये है कि अभी दुनिया को या लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इसके अंदर है ना वो सारी बुराइयां, गिल्ट और ये जो भी कुछ वो महसूस करता है गंदगी, वो डिस्कवर होने का डर होता है। डर होगा तो वो जो उसने इतने साल प्रयास किया अपने आप को अच्छा दिखा के, प्रेजेंटेबल बना के, पोलाइटनेस दिखा के, वो चीजें जो है ना वो उसकी पता लग जाएंगी, तो अलग कर दिया जाएगा उसको, अलग हो जाएगा सोसाइटी से। यही चीज का डर पूरे जीवन भर, इसीलिए अगर आप देखेंगे ना थूजा पर्सनैलिटीज को, तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि ये कुछ तो छुपाता है मुझसे, कुछ चीज में तो ये सही नहीं कह रहा है मेरे से, कोई तो ऐसी बात है जो कि ये ऑनेस्ट नहीं है। इसीलिए अगर आप मर्फी जी की रेपर्टरी में देखेंगे, मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आप थूजा के रूब्रिक्स देखने, आपको तो बहुत अच्छा रिप्रेजेंट मर्फी जी की रेपर्टरी में है, बहुत सारे ऐसे रूब्रिक में दिया हुआ है थूजा जहां एक्चुअली होनी चाहिए, पर सिंथेसिस और कंप्लीट में उन लोगों ने हटा दिया, जैसे एडल्ट्रस के अंदर है। एडल्ट्रस मतलब मिलावट है ना, और ऐसी मिलावट होती है जैसे दूध में मिलाते हैं, कुछ पानी मिला दिया या कोई केमिकल मिला दिया, लेकिन उससे ओरिजिनल दूध की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा एल्टर नहीं होनी चाहिए, मतलब उसका टेस्ट खराब नहीं होना चाहिए, दूध जैसा लगना चाहिए लेकिन है उसमें मिलावट। तो ये चीज वो करता है अपनी हर बात में, कुछ चीज सही कुछ चीज गलत, है ना, अनट्रूथफुल एक रूब्रिक है। अब देखो लायर नहीं है, मतलब अनट्रूथफुल करके एक अलग रूब्रिक है, लायर करके एक अलग रूब्रिक है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि लायर जो है ना वो मतलब जैसे झूठ बोलना, ठीक, सिंपल, लेकिन अनट्रूथफुल में क्या होता है कि वो अकेले सिर्फ झूठ नहीं बोलता, बल्कि उसकी जो बातें रहती हैं वो सच होती ही नहीं है, कैलकुलेटेड बिहेवियर। और ये सारे रूब्रिक्स में, जिसमें मैंने पहले भी अपने पुराने वीडियो में भी बताया हुआ है, तो कैलकुलेट कर करके वो बिहेव करते रहता है जीवन भर। इसीलिए तो ये जो है ना ये थूजा का क्रक्स है। तो उसको क्या है, मूवी देख के हम आए, फिर शाम को उसको थूजा का एक डोज दिया मैंने 200 का, और फिर उसके बाद वो उसने मेरे को कुछ दिन बाद, 4-5 दिन बाद फिर दोबारा आकर वो मेरे को बताया कि अरे मैंने क्या है RT-PCR ये करा लिया मैंने, तो उसमें कोविड वगैरह नहीं आया है और खुश लग रहा था, फीवर वगैरह कुछ नहीं था। तो ये होता है देखो, थूजा लाइट शंस के अंदर है जैसे हायोसाइमस है, पर हायोसाइमस का रीजन अलग होता है। हायोसाइमस बेड से नहीं निकलना चाहता, अपने जिस स्टेट में कंफर्टेबल है वहां पर रहना चाहता है, लेकिन थूजा के साथ प्रॉब्लम ये होती है वो लाइट शन इसलिए कर रहा होता है, उसको लाइट की जरूरत, वो बोलता है कि मेरे को है ही नहीं, इसलिए क्योंकि अगर लाइट पड़ेगी तो जो भी अंदर का जो भी गंदगी है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीजें हैं वो दिख जाएंगी ना, तो इसीलिए। तो जैसे उसको थूजा प्रिस्क्राइब किया तो वो टेस्ट भी करा के आ गया, फीवर भी ठीक हो गया, तो वो चीज जो है वो करेक्ट हुई, जो मन से जो डर था कि मेरे को खोज लिया जाएगा, मेरे बारे में पता चल जाएगा, वो निकला। तो देखो थूजा के अंदर एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, सप्रेशन ऑफ नेचुरल इंक्लिनेशन। नेचुरल इंक्लिनेशन क्या होते हैं? नेचुरल इंक्लिनेशन ये होता है कि जैसे आप अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है, और जो भी हमारी सारी जो चीजें हैं
एक डेली रूटीन में, तो वो ना इन सब चीजों को भी सप्रेस करता रहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर वो उसने ऐसा कुछ बिहेवियर शो किया, किसी ऑपोजिट जेंडर वाले से बात कर लिया, या कोई ऐसी मान लो कोई ऐसा बात उसने कह दिया, या उसने कोई वो अगर मान लो फैमिली में भी है, कोई ऐसी वो मूवी नहीं देखेगा जिसमें कोई एक्सप्लिसिट सीन हो या कुछ हो, जबकि आज के समय में बड़ी वैसी बात है कि मतलब हाँ सब जानते हैं कि हाँ ये चीज़ होती है, ऐसा होता है, लेकिन फिर भी वो ये दिखाते रहता है कि नहीं, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो वो आप उसको देखोगे ना तो यही बोलोगे कि अरे इतना सीधा कैसे हो सकता है कोई, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ बात है ना, कि इतना ज्यादा पोलाइट, इतना ज्यादा सीधा ऐसा कैसे हो सकता है। फिजिकल सिम्टम्स बहुत बढ़िया बढ़िया है इसमें, जैसे एक नेल ड्रिवन वाला सेंसेशन है इसमें, कोई भी किसी भी तरह के पेन में उसको ऐसा लगता है कि कोई नेल ठोकी जा रही है ना, तो वो फिजिकल लेवल पे है। लेकिन जब ओवरऑल पर्सनैलिटी को आप समझेंगे तो आप यही पाएंगे कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो ये छुपा रहा है, और जो भी ये बात करता है उसमें कोई सच्चाई होती ही नहीं है। ये झूठ तो झूठ की अलग चीज़ है कि जैसे मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, ये इतना इस तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी किसी भी बात में कोई सच्चाई ही नहीं है। तो ये चीज़ आप नोटिस करेंगे, टेस्ट करना, स्पाई करना, अब स्पाइंग के अंदर थूजा होती है, बल्कि इवन ग्रेडिंग बहुत हाई दिया है बाकी दवाइयों की तुलना में, 2 नंबर आई थिंक दिए हैं उसको मर्फी सर ने, तो अभी के रेपर्टरी में उसको पता नहीं क्यों हटा दिया इन लोगों ने, लेकिन ये सारा कुछ थूजा को रिप्रेजेंट करता है। तो वीडियो में अगर मज़ा आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, ये वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, कलीग्स के साथ में, डॉक्टर्स के साथ में, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।